सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइज, आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि एक क्रिएटिव में आप घर कैसे बना सकते हो। देख सकते हो मेरे पास कई सारे सामान है क्रिएटिव में घर बनाने के लिए, ठीक है। पहले आपको ये सब सामान ले लेना है, उसके बाद देख सकते हो गाइज जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको भी ऐसे ऐसे ब्लॉक प्लेस करने हैं, ठीक है। तो जल्दी से मैं ब्लॉक प्लेस करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो गाइज, ये वाला ब्लॉक भी प्लेस हो चुका है, ठीक है। और गाइज, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर साइड में एक स्मूथ कोर्ड्स का ब्लॉक लेना है, ठीक है। और स्मूथ कोर्ड ब्लॉक को आपको साइड साइड में प्लर टाइप से लगा देना है, इसको ऐसे करके, ठीक है। गाइज, ये लास्ट प्लेयर भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप खुद देख सकते हो कैसा लग रहा है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद गाइज, आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास वोब स्टेयर्स हैं, इन वोब स्टेयर्स को गाइज ऐसे ऐसे कर कर यहाँ पर प्लेस कर देना है, ठीक है। इसको एक एक करके प्लेस कर देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं गाइज प्लेस करने के बाद। सो गाइज, ये लास्ट स्टेयर्स हैं, इनको भी जल्दी से प्लेस करते हैं, ठीक है। और गाइज देख सकते हो ये चारों तरफ अच्छे से प्लेस कर दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, इसको भी पहले ढंग से लगा देता हूँ। और गाइज इसके बाद क्या करना है, आपको इसके ऊपर दोबारा से लगानी है ये स्टेयर्स, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक रैंडमली ब्लॉक लगाना पड़ेगा, यहाँ पर वाइट स्मूथ कोर्ड्स का या किसी का भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको उसके ऊपर से प्लेस करनी स्टार्ट करनी है दोबारा से। तो गाइज चलो जल्दी से मैं ये भी प्लेस कर देता हूँ। सो गाइज, कुछ स्टेयर्स और रह चुकी हैं, ठीक है, और इनको भी जल्दी से प्लेस करते हैं। और ये वाली यहाँ पर प्लेस करता हूँ, अरे सॉरी गलत लग गई गाइज, इसको भी ढंग से लगा देते हैं। और थोड़ा आगे आ गया इसको मैं ब्लॉक को हटाकर, और गाइज देख सकते हो किस टाइप से हमारा ये लुक आ रहा है, ठीक है, देखने में। बाकी अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर भी स्मूथ कोर्स का एक ब्लॉक लगाते हैं और उसके बाद से दोबारा से इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, मिलता हूँ मैं आपसे ये बिल्ड करने के बाद। सो ओके गाइज, ये वाले भी स्टेयर्स यहाँ पर प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। देख सकते हो कुछ इस टाइप का लुक आ रहा है, ठीक है, हमारे घर का। बाकी जल्दी से ऐसे करते हैं, इसके ऊपर को भी कम्प्लीट करते हैं जल्दी जल्दी से। और गाइज, पूरा कम्प्लीट करने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। सो गाइज, मैंने इतना कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर एक वोब्ड स्टेयर्स लेनी है, ठीक है। और वोब्ड स्टेयर्स को गाइज आपको थोड़ा उल्टा करके प्लेस करना है, ठीक है, मतलब इस वे में आपको करके प्लेस करना है, ठीक है। गलत प्लेस हो गई, इसको हटा देते हैं। और आपको उल्टी उल्टी करके गाइज ये प्लेस कर देनी है यहाँ पर पूरे में, ठीक है। तो गाइज जल्दी से मैं इसको प्लेस करता हूँ और मिलता हूँ आपसे ये प्लेस करने के बाद। सो गाइज, अब देख सकते हो आप हमारे घर का लुक कुछ इस टाइप का आ रहा है, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। घर अभी कंप्लीट होने के बाद उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो गाइज, अब क्या करते हैं, पहले ये अंदर के फालतू के ब्लॉक्स लग रहे थे ये हटा देते हैं। सो गाइज, अब आप देख सकते हो हमारे घर का कुछ फाइनल लुक इस टाइप का आ रहा है, ठीक है, अंदर से भी आपने देख लिया कैसा लग रहा है। सो गाइज, अब क्या करते हैं, हम ये स्मूथ कोर्ड्स के वाइट वाले ब्लॉक लेते हैं और गाइज इसको यहाँ पर बेस में प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं यार, ऐसा करते हैं ग्रास के ऊपर ही प्लेस कर देते हैं इसको, ठीक है। सो गाइज जल्दी से इसको प्लेस करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे इसको प्लेस करने के बाद। सो गाइज, ये हमारे स्मूथ कोर्ड्स भी प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। सो गाइज, अब आपको क्या करना है, अब आपको गाइज जहाँ से इन्वेंट्री में जाना है और गाइज इन्वेंट्री में से ले लेना है ग्लास पेन, ठीक है। और गाइज ये वाला ग्लास पेन लेना है गाइज ट्रांसपेरेंट वाला, ठीक है। सो गाइज, ये लेने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर ये तीनों साइड टेराकोटा को तोड़कर, ठीक है, तीनों साइड के टेराकोटा को तोड़कर गाइज अपनी मर्जी से आप कहीं पर भी विंडो बना सकते हो, ठीक है। तो गाइज मैं जल्दी से टेराकोटा तोड़ता हूँ और गाइज तीनों साइड विंडो बना के आपसे मिलता हूँ। सो गाइज, ये लास्ट वाला शीशा था, ठीक है, इसको भी जल्दी से प्लेस कर देते हैं। सारे ग्लास पेन गाइज हमने लगा दिए। तो गाइज फिर आपको क्या करना है गाइज, ये ग्लास पेन ले लेने हैं और एंट्री की साइड पर इस ग्लास पेन को एक एक करके लगा देना है, ठीक है। तो गाइज जल्दी से मैं इसको लगाता हूँ।
सो गाइज अब आपको इन्वेंट्री में से थोड़ा सा वैसा वाला ग्लास ले लेना है, ठीक है, बॉक्स शेप वाला ग्लास ले लेना है। और गाइज क्योंकि हम यहाँ पर गेट प्लेस कर रहे हैं ना, तो गाइज गेट के साइड में यार बाउंड्री भी अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से इसको गाइज यहाँ पर प्लेस करते हैं चारों तरफ, इसके ऊपर की साइड गाइज रहने देते हैं, बस साइड साइड में प्लेस कर देते हैं ताकि ऐसा लगे पूरा गेट कवर है, वरना तो गाइज देखने में ऐसा लग रहा है कि यार गेट के साइड साइड में स्पेस रह रहा है, ठीक है। सो गाइज देख सकते हो कुछ इस टाइप का हमारा घर लग रहा है, ठीक है, बाहर से देखने में। तो गाइज अब आपको ले लेनी है प्रिज्मरीन ब्रिक स्टेयर्स, ठीक है। तो गाइज जल्दी से मैं प्रिज्मरीन ब्रिक स्टेयर्स ले लेता हूँ अपनी इन्वेंट्री के अंदर से, ठीक है। और गाइज इसको एक एक करके यहाँ पर प्लेस करता हूँ ताकि हम आराम से ऊपर चढ़ पाएँ, ठीक है। जल्दी से इसको प्लेस करके आपसे मिलता हूँ, ठीक है। गाइज लास्ट वाली प्लेस हो चुकी है, ठीक है। अब गाइज देख सकते हो हमारे घर का कुछ आउटपुट ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब जल्दी से अंदर चलते हैं और गाइज अंदर की डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आपको ये आइटम ले लेना है जो जो मैंने ले रखा है, ठीक है, क्राफ्टिंग टेबल, एंचेंटमेंट टेबल वगैरह, ठीक है। तो गाइज जल्दी से मैं आपको प्लेस करता हूँ। गाइज आप बस आप वीडियो को एंजॉय करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जल्दी से आप वीडियो को एंजॉय करो। Thank you.